अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ माविश निसार और आज हम मौजूद हैं कैसी शख्सियत के साथ जिनका एक एडवोकेट होने के साथ साथ सोसाइटी में चिल्ड्रन राइट्स, वुमेन राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स और डिसेबल पर्सन के राइट्स पर एक अहम किरदार है, बहुत सी खदमात हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट राना आसिफ साहब के ऑफिस में, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अभी तक इस मुआशरे में अपनी अपनी सर्विसेज दी हैं। और आजकल जैसे हम देखते हैं कि चिल्ड्रन राइट्स की जो बहुत बुरी तरह से वायलेशन हो रही है हमारी सोसाइटी में, रिजवाना तशद्दुद केस है, फिर एक बच्ची फातिमा जो किसी पीर की हवेली में बतौर मुलाजमा काम करती थी वो अपनी जान से गई। तो राना आसिफ साहब से जानते हैं कि बीइंग एन एडवोकेट और सोशल एंड ह्यूमन एक्टिविस्ट वो किस तरह से इन चीज़ों पर काम करें। बहुत शुक्रिया राना आसिफ साहब आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो आपने बताया कि फातिमा जो बच्ची है उसके मर्डर को लेकर आप कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, किस तरह लेकर चल रहे हैं आप इसको? बिल्कुल जी, मैंने जो ख़ास तौर पे फातिमा का केस है, घरेलू बच्चा मजदूरी का केस है और पाकिस्तान ने 1989 में आलमी माहिदा बराए हकूक के अतफाल दस्तखत किया था और 1990 में उसको रेटिफाई किया, जिसके 54 आर्टिकल हैं जिसमें जो 40 आर्टिकल हैं बच्चों के हकूक पे मबनी है और बाकी हम लोगों की बड़ों की क्या ड्यूटी बेयर की जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें जो आर्टिकल 32 है उसका वो बेसिकली बात करता है कि अगर बच्चों की नशोनुमा के लिए या उनकी तालीम के लिए, अखलाकियात के लिए अगर कोई चीज़ मुतासर करती है तो वो काम बच्चों से नहीं कराना चाहिए। तो उसी की एडवोकेसी हम उसको लेके चल रहे हैं और अभी सूबह पंजाब के अंदर ये कानून बन गया है और सूबह जो हमारे इस्लामाबाद के अंदर और सूबह सिंध के अंदर जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है, इसके सेक्शन 2 है, उसके अंदर घरेलू बच्चे मजदूरी का जिक्र जरूर किया गया है लेकिन इसके रूल्स के अंदर प्रोसीजर नहीं दिया गया कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। तो हम इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस फातिमा केस को एक हम एग्जाम्पल बना रहे हैं ताकि जिस तरह आपने देखे वहाँ के DIG जावेद जस्कानी साहब ने एक्शन लिया और सिविल सोसाइटी पूरी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम चाह रहे हैं कि इस केस को स्पीडी जस्टिस मिले, उनके वालदैन को किसी किस्म का ऐसा दबाव ना दिया जाए कि इसे काबिले सुलह बना लिया जाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान पीनल कोड दाजरात पाकिस्तान की जो दफ़ा है 228A जिसमें क्रुअल्टी ऑफ चिल्ड्रन है वो कंपाउंडेबल है, काबिले सुलह, जिसको हम कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के जरिए नाकाबले सुलह करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जो अपनी जद्दोजहद का आगाज किया था तो वो 1999 से किया, जब एक खबर आई कि एक शख्स ने, जावेद इकबाल नाम के शख्स ने 100 बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज करके और तेजाब के ड्रमों में डाला और उनके माँ बाप ने उनको जूते और कपड़ों से पहचाना, तो वहाँ हमने ग्रुप बनाया कि इनिशिएटर के नाम से, जो बाद में इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की शक्ल उसने अख्तियार की और हमने फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और जो पहली लेजिस्लेशन थी वो 2004 में सुबह पंजाब में हुई, डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन है, जिसके तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का क्याम जो है अमल में आया और 1121 हेल्पलाइन पंजाब में कायम हुई। उसके बाद जो 18वीं तरमीम आई 2010 में और हमने जो हमारा पहला फंक्शन था वो बच्चों को फैमिली से रीइंटीग्रेट करना था जो मिसिंग चिल्ड्रन थे, तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज़्यादा बच्चों को फैमिली से रीइंटीग्रेट कर चुके हैं। और हमने जिस इश्यूज पे काम किया था, ग्लू स्निफिंग पे, समर बॉन्ड के नशे पे और इन चीज़ों पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% तो नहीं लेकिन मैं समझता हूँ 80 से 90% वो रिड्यूस हो चुका है। जो कराची की 277 जगह पे बच्चे समर बॉन्ड का नशा करते थे और गाड़ियों के साइड ग्लास चोरी करते थे और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माफिया के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे, जिसमें जो जहांगीर पार्क का एरिया उसको रिहेबिलिटेट आपने देखा, फैमिली पार्क बना दिया, अब्दुल शाह गाजी ऑपरेशन हुआ, उसमें हमने कोई पुलिस ट्रेनिंग की जो 521 थाने हैं हमारे सूबह सिंध के अंदर और जो हमारे 9 प्लेस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं। इसी तरह हमने जुडिशरी के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ, तमाम स्टेक होल्डर के साथ काम किया ताकि इस मसले को किया जो है सॉल्व किया जा सके। तो इसके अभी भी मैं समझता हूँ जो गैप है उसके अंदर वो एंटी बैगरी कैंपेन का है कि बैगर्स माफिया से अब तक हम अपने बच्चों को, जो कराची में 500,000 के करीब बच्चे जो है भीख के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको अभी तक नहीं निकाल पाए क्योंकि हमने एंटी बैगरी लॉ जो है, जो सबका पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो है मैंने थी MPA थी असफर राजा साहिबा को, उनको हवाले किया था और वो प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकी बिल, उनके अपने अपने देखा सियासी मसाइल बहुत थे तो इन चीज़ों की वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ अगली असेंबली जो आएगी उसके अंदर एंटी बैगरिंग का लॉ भी लाया जाएगा ताकि इस बैगर माफिया से बच्चों को जो है निजात दिलाई। अच्छा, ये जो फातिमा वाला केस हुआ, चले वो बच्ची इस दुनिया से बेचारी चली गई है, किसी पीर की हवेली पर काम करती थी, वो लोग कितने तालीम याफ्ता हैं या तालीम याफ्ता बिल्कुल नहीं हैं और उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ क्या हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ उन्होंने ये सलूक किया। लेकिन जो बच्ची रिजवाना है
उसके साथ जो जुल्म सितम हुआ, जो मारपीट हुई, जो एक फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजर रही है, बल्कि वो तो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है, वो इस क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में अभी भी दाखिल है, ये सारी सिचुएशन तो आसिफ साहब एक जज के घर में हुई, आप खुद एक लॉयर हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि एक जज के घर में ये कैसे हो गया, क्या माइंडसेट था? कहने को तो वो एक जज हैं जिनका काम है इंसाफ करना, मुआशरे में होने वाली नाइंसाफियों को ख़त्म करने में मदद करना, लेकिन उनके अपने घर में ये सब कैसे हो गया? देखिए, जब एक जज होता है, एक वकील होता है, हमारे ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर जो है डबल हो जाती है। जी बिल्कुल। तो दोहरी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर पाए, इसका मतलब ये बच्चे इनोसेंट विक्टिम ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस हैं, यानी माशी तरक्की के मासूम शिकार हैं, जिसको हम तरक्की कहते हैं, तालीम कहते हैं, डिग्रियाँ कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, हमारे रवैये वही रहे जो फ्यूडल मेंटेलिटी है। हमने जज की सीट ले ली, वकील की सीट ले ली, डॉक्टर की सीट ले ली। इवन कल जो एक वायलेंस मुझे खातून का रिपोर्ट हुआ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो सी ए से बड़ी कौन सी डिग्री होगी? तो इससे अफसोस होता है कि हम लोग तालीम तो दे रहे हैं, तरबियत नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, हम सोशलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। तो ये वाकया अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ कि जज को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो काम बंदे को मिले। अच्छा, सजा की आप बात करें, उसके बाद जो फिर हमने देखा, उनकी वाइफ को जमानत मिल गई, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी को तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। बीइंग अ जज, उन्हें ये जेब देता था कि फिर वो ऐसी एक्सक्यूजेस देते बजाय कि वो अपनी गलती पे शर्मिंदा होते, उसका अजाला करते, लेकिन उनकी बीवी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की गई। ये वही डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि जो हमारा हर पेशा जो है, अगर कोई डॉक्टरों का मसला आता है तो डॉक्टर हड़ताल के लिए आए थे, वकीलों का मसला आता है तो वकील हड़ताल शुरू कर देते हैं। हम रेशनैलिटी पे माशरे को नहीं चला रहे, हम जत्थों के तौर पर, ग्रोहों के तौर पर माशरे को चला रहे हैं। कि जो माशरा ग्रोहों के तौर पे चलता है, जत्थों के तौर पे चलता है, वहाँ पर रैशनल वैल्यूज़ नहीं होती, वहाँ पर कोलेक्टिव प्रेशर वैल्यूज़ होती हैं। तो प्रेशर वैल्यूज़ में चलने वाले माशरे में स्ट्रेस होता है, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये तमाम चीज़ें उस माशरे के अंदर पाई जाती हैं। समाजी नफसियाती तौर पर वहाँ लोगों को कॉग्निटिव डिसोनेंस का मसला होता है, कि जो किताबों में, अपने मजहब की किताबों में लोग पढ़ के आते हैं, उनको जब वो माशरे में चीज़ नज़र नहीं आती तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरा जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों के लिए आपने स्ट्रगल शुरू की थी बैक टू 1999, और आज हम 2023 में जी रहे हैं, तब से अब तक सोसाइटी में चिल्ड्रन राइट्स को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर, ट्रांसजेंडर्स के राइट को लेकर आप कितनी एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं कि लोग तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, मुआशरा जिद्दत की तरफ चला गया है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गई है, या आप कह लें कि पोस्ट मॉडर्न एरा है, तो ख्वातीन के राइट्स, बच्चों के राइट्स, इन सब को लेकर पाकिस्तान के मुआशरे में आप कितनी एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं? देखिए, जो सोसाइटी में होती हैं वो दोनों फोर्सेस, ड्राइविंग फोर्सेस और सस्टेनिंग फोर्सेस, दोनों साथ साथ चलती हैं। यानी रोकने वाले नासिर भी अपने आप को, जो लोग ख्वातीन को वज़ीर आज़म नहीं मानते थे, जो लोग ख्वातीन को बाइख्तियार नहीं मानते, वो आज भी ख्वातीन की मौशी खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं। वो आज भी आपने देखा है कि अगर कोई खातून मौशी तौर पर बाइख्तियार होती है तो उसकी समाजी करेक्टर असैसिनेशन और उस तरह के मीन्स इस्तेमाल करते हैं जिसे हम अनफेयर मीन्स कहते हैं। लेकिन अब भी हमारे माशरे में बहुत सारी इकदार को तब्दील करने की ज़रूरत है, और जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जिसमें बड़ी रिफॉर्म जो है, आपने देखा सन 2002 की असेंबली में आई कि 33% ख्वातीन की नुमाइंदगी वहाँ पर की गई, और वही आप देखें जो रिजर्व सीट पे ख्वातीन आई, उन्होंने बहुत बड़ा एक चैलेंज भी कबूल किया और तब्दीली भी लेके आई। तो ऐवान के इक्तदार में तो कम अज़ कम ख्वातीन की रिप्रेजेंटेशन हुई, इसी तरह लोकल बॉडीज़ के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन हुई, मीडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन हुई, जुडिशरी के अंदर हुई। क्योंकि अब भी अगर आप कुछ बैंकिंग देखेंगे, ऐसे बैंकिंग सेक्टर हैं कि आज भी वो ख्वातीन को अपनी ब्रांच में नहीं रखते। अब इसी तरह आज भी अगर आप देखें तो लोग सीवी देख के कहते हैं ख्वातीन को कि भाई तुम तो ये काम नहीं कर सकती, उधर का काम तो ये जेंट्स ही करेगा। तो ये अब भी हमारे माशरे में ये माइंड सेट मौजूद है कि जो जेंडर इक्विटी के खिलाफ है। आप देखें, जिस माशरे में जेंडर जस्टिस नहीं होगा वहाँ पर डिवेलपमेंट नहीं होगी। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे कवानीन बनाए, कोई 96 के करीब, जो ख्वातीन बच्चों के हकूक से, और जिसमें 2018 वाला जो ट्रांसजेंडर राइट है, लेकिन उन कवानीन पे अमल दरामद ना होने की वजह से आज भी जो ख्वातीन है उनका राइट टू मोबिलिटी मुतासर होता है, ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, उनका राइट टू प्रोटेक्शन जो है वो है। फिर 2010 में हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ जरूर लेके आए। आज भी आपको दफातर में डिस्प्ले
होता हुआ नजर नहीं आता होगा और ना ही उसमें हरासमेंट कमेटी कोई फाल नजर आती होगी। जो एम्बड्समेंट है वहाँ पे अगर हरासमेंट के केसेस हैं तो वो इतनी सर्द मोहरी का शिकार हैं कि वो कहते हैं कि कछुए की चाल से चलने वाले केसेस की वजह से लोगों का इंसाफ के ऊपर से इतमाद मिल जाता है। और पीछे किसी खवातीन के साथ अगर कोई ज्यादती होती है, जो पुलिस का एट्रीब्यूशन है, जो सवालात हैं वो इस कदर ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग होते हैं कि इस पे असगर अदीम सईद साहब ने एक वो ड्रामा भी लिखा था जलतों के मारे हुए लोग। तो वो ये चीज़ें अगर आप देखें तो वो अब तक नूरुल हुदा शाह या जिन राइटर की चीज़ें लिखी हम उस ख्वाब के करीब नहीं जा सकते। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चों के जो एक सेक्सुअल अब्यूज का मामला है और हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बच्चा गायब हो गया, अगवा हो गया, फिर लाइक दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कुछ दिन के बाद जी फलां जगह से उसकी लाश मिल गई है और फिर अगर पोस्टमार्टम हुआ है, मेडिकली इसको एग्जामिन किया गया है तो जी रेप हो गया है, फिर बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, इसकी वजूहात क्या देखते हैं आप? कानून सख्त नहीं है? क्योंकि हम बहुत सी इसकी रीज़न सुनते हैं कि जी चूँकि ख़वातीन माशरे में जो है वो पर्दा नहीं करके निकलती बाहर, तो इस वजह से बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का तो पर्दे से या हिजाब ओढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो ये अजीब सी बात लगती है कि क्योंकि उसका इल्ज़ाम ख़वातीन के दे दिया जाता है उस पर कि भाई ये तो पर्दा नहीं करती, लेकिन उसका खमियाजा बच्चे भुगत रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए बच्चे जो हैं छोटे होते हैं वो कंप्लेन नहीं कर सकते और अक्सर सेक्सुअल अब्यूज़ हमने देखा उन लोगों ने बच्चों के साथ किया जो क्लोज रिलेटिव होते हैं जी। और फिर दूसरी बात बच्चे वनरेबल होते हैं, उन्हें कोई भी बिला बुसला के उनके अंदर बच्चों के अंदर एक अलूरमेंट तजस्सुस पाया जाता है, उस तजस्सुस को एक्सप्लॉइट करके कोई भी उनके साथ इस तरह की जो है अब्यूज़ करता है और कमज़ोर होते हैं। ये ताकत और कंट्रोल का जो रेप है या जबरदस्ती है या सोडोमी है ये सब ताकत और कंट्रोल की बात है। एक वही अब्यूज़र जो बच्चे के साथ अब्यूज़ कर रहा है वो किसी ताकतवर की तरफ आँख उठा के भी देखता, तो ये हमने फिनोमेना देखा है। और ये चाइल्ड अब्यूज़ जो है इसका बहुत बड़ी वजह पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जो कि सोशल मीडिया से कंटेंट से लेके पूरी दुनिया में डार्क वेब से लेके वो सराहियत करता जा रहा है। जिस तरह हमें डिजिटल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, अब है शायद आज से 20 साल पहले डिजिटल सिक्योरिटी की वैल्यूज़ की वो ज़रूरत हमें नहीं थी। और अपने बच्चों को हमें जो गुड टच और बैड टच से लेकर डिफेंसिव मैकेनिज्म की जो तालीमात और लाइफ स्किल मैनुअल्स यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाने की आज ज़रूरत है, शायद आज से हमें 50 साल पहले वो ज़रूरत नहीं थी। तो माँ बाप की पेरेंटिंग जो ट्रेनिंग है, स्किल्स है या फैमिली काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया और कानून इतना कमज़ोर है और थाने से लेके मेडिको लीगल तक में और मेडिको लीगल से अदालत तक में हर जगह पे आवाज़ लगाने वाले से लेके फाइल लेके जाने तक करप्शन इतनी है जिसकी वजह से मुल्ज़मान को सज़ा नहीं हो पाती। और ये नाकाबिले सुलह जुर्म भी 376-377 पाकिस्तान पिनल कोड भी काबिले सुलह हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये इबरत का निशान नहीं बनते। एक ज़ैनब केस में आपने देख ले सजा, वो इक्का दुक्का केसेस कोई वन से ना ब्लू मून किसी को सजा हो गई तो हो गई, जब तक मीडिया उसके कैमरे पीछे रहे। बिल्कुल, यहाँ लोग खुदा से नहीं डरते, कैमरे से डरते हैं। ट्रू दैट। अच्छा ख़वातीन के राइट्स के बहुत से जो इश्यूज हम देखते हैं, कहीं किसी बच्ची को जहेज ना होने की वजह से ससुराल वाले निकाल देते हैं, कहीं चूल्हा फट जाता है, लेकिन हर सूरत में जो उसका विक्टिम है वो कोई ना कोई खातून है, वो किसी की बहू हो सकती है, किसी की बेटी गैरत के नाम पे हो सकती है। अभी जो गैरत के नाम पे कत्ल कर दिए जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि माशरे में इसकी रेशो अब कम हो गई है या बढ़ गई है? देखिए अवेयरनेस तो बहुत आई है और एक्सेप्टेंस का पहला मरला जो माशरे का होता है, सोशियोलॉजी में कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल रिकॉग्नाइज इट सोशल प्रॉब्लम। तो लोगों ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया लेकिन समथिंग कैन डू बाय द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, वो जो है कॉम्बिनेशन अभी तक बन नहीं पा रहा। और पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी जो है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की वजह से, चैरिटी कमीशन की वजह से, इन पॉलिसीज़ की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। बिल्कुल। तो जब जारी बात है सिविल सोसाइटी नहीं रहेगी जो कि सूरतकार का फैसिलिटेशन का राइट्स एडवोकेसी का काम करती है, तो फिर आप देखें माशरा जो है वो तनज़ली का शिकार होता है। तो ये पाकिस्तान के अभी ये बड़ी चैलेंज भी है और जब चैलेंज होता है अपॉर्चुनिटी भी है कि अब ये वक्त है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करना होगा ताकि हम एक ऐसा माशरा बना सकें जहाँ ख़वातीन का इज़्ज़त वक़ार और उनको जो है माली तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए एक साजगार माहौल मुहैया किया जा सके जहाँ वो अपनी तमाम तसलाइतों को बुरे कार ला सकें और उनके ऊपर कोई दावे नाजायज जो है वो ना हो, कोई इन्फ्लुएंस ना हो और किसी भी किस्म के हरासमेंट और किसी भी किस्म का जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है
वो ना हो ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने ला सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जी अपने बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएं, आपको नहीं लगता कि जितना ख्वातीन के हमारी बच्चियों के बेटियों की तालीम ज़रूरी है, उन्हें बाशऊर बनाना ज़रूरी है, एट द सेम एंड लड़कों की भी इस तरह से तरबियत बहुत ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस सोसाइटी कायम हो सके? बिल्कुल जी, जब जेंडर बैलेंस नहीं होगा तो आप गिलगित, मैंने एक्स्ट्रा वहाँ काम किया नॉर्दर्न एरिया में, तो वहाँ एक खुजाल एरिया में खुदकुशी होना शुरू होगी। जब खुदकुशी की वजूहत हमने देखी, उसमें एक वजह यह भी थी कि AKRSP के प्रोग्राम के तहत खवातीन ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर ली और उनके जेंट्स ने वो तालीम हासिल नहीं की, तो वो फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सुसाइड का रिश्क जो है वहाँ, खुदकुशी का जो रुझान है वो बढ़ गया। तो ये बहुत ज़रूरत है कि माँ बाप को अगर बेटियों को एम्पावर करना है तो जिम्मेदार अपने बच्चों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक जिम्मेदार मर्द ही जो है वो एक खातून को हकूक दे सकता है, एक गैर जिम्मेदार मर्द तालीम याफ्ता खवातीन की भी ज़िंदगी को जीना हराम कर सकता है, क्योंकि ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो है वो तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो आपका जो एट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, जो ब्लेम गेम है, जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना है, एक जो व्हाट्सएप चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना, क्योंकि जहालत की इन जंजीरों से जब तक हम बात नहीं निकलेंगे और हम अपनी सोचों को तब्दील नहीं करेंगे और मुस्बत रवैयों को नहीं जन्म देंगे और अपनी बहन और अपनी जो है वाइफ के लिए एक स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम इस माशरे में तब्दीली नहीं ला सकते। अगर हमने अपनी बहनों के लिए जो है लाल किताब रखनी और बीवी के लिए हरी किताब रखनी तो फिर ये कभी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। ट्रांसजेंडर्स के राइट्स पर आप काम करते हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर का, ख्वाजा सरा का जो इमेज है, एक तो ये कि वो एक टैबू की तरह से है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं तो ख्वाजा सरा हमें हर शोबे में, हर फील्ड में काम करते दिखाई देते हैं, वहाँ पर उनका स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ हम देखते हैं तो वो बेचारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े हैं, उन्होंने अजीब अजीब से वो मेकअप किए हुए हैं, कपड़े अजीब से पहने, और वो सिर्फ भीख मांग रहे हैं या फिर वो सेक्स वर्कर्स बने हुए हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में या हमारे हमसाया मुल्क में भी तकरीबन बहुत हद तक ऐसा ही है, अभी तक ऐसा ही है, बेहतर हो रही है वहाँ पर चीज़ें, लेकिन इतनी नहीं। हम अभी तक अपने सोसाइटी में ख्वाजा सराओं को, ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे, हम उन्हें माशरे का कारामत शहरी क्यों नहीं बना रहे अभी तक? देखिए, हमारी सोसाइटी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, रवायती माशरा है, जो स्टीरियोटाइप्स पे होता है जी, और जो सिक्काबंद रुझानात पे होता है और जो एक प्रिजुडिस होता है, यानी पहले से किसी के बारे में इमेज कायम करना, वही हमारी मुश्किलात ख्वाजा सरा कम्युनिटीज़ को भी आ रही है कि जो उनके पास एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस नहीं है, जिसकी वजह से या तो कमर्शियल सेक्स वर्क करते हैं या वो बैगिंग करते हैं। लेकिन इसी के अंदर जब हमने मेहनत की, काम किया, तो मेरे साथ जो US पढ़ने गई थी वो पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फैशन मॉडल थी कामी सीड, तो कामी ने पूरी पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री में, वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यहीं से सारा गिल जो है डॉक्टर बनी, यहीं से निशा हमारे साथ उसने LLB भी किया और अब माशाल्लाह एडवोकेट बन के अपनी जो, लेकिन ये आसिफ साहब आपको लगता है ये चांद एक मिसाल है? ये चांद एक मिसाल है। इसके अलावा नताशा ने नादरा के अंदर काम किया, अच्छा जबरदस्त, इसके कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो लोगों ने काम किया, टैक्स रिकवरी के अंदर, अच्छा पॉजिटिव चीजें बहुत है, मगर बदकिस्मती से जो ट्रेडिशनल मार्शल होते हैं, यहाँ खबर वो है कि कितने लोग कोच में हलाक हो गए, ये खबर नहीं है कि कोच बच गई। हाँ बिल्कुल, यहाँ खबरियत से ज्यादा सनसनी जो है वो ट्रेडिशनल रवायती माशरों में, खबर का मिजाज मुख्तलिफ है ना यहाँ पर। आपने देखा रवायती माशरे हमेशा उस पे सनसनी पे, इत्तफाकात पे और मौजज़ों पे और इन चीज़ों पे ज्यादा वो बिलीव करते हैं बजाय हकीकत पे, रैशनैलिटी पे, बिल्कुल, या इन्वर्टेड कॉमास वाले एट्रीब्यूशन पे। तो इस वजह से यहाँ पे उनको सपोर्ट उतनी नहीं है जितनी आपने वेस्टर्न माशरे में बताया, तो वहाँ तो जेंडर फील ही नहीं होता कि किसकी क्या जेंडर है। वहाँ ड्रेस कोड अगर आप देखें, यहाँ कपड़ों से पहचान सकते हैं मेल कौन है फीमेल है, वहाँ ड्रेस कोड से शायद मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता आएंगी जब यहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, एक्सपेंशन ऑफ चॉइसेस होंगी, यहाँ पे लोगों के चॉइसेस ही नहीं है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की लड़ाई जो डार्विन ने कहा था, अभी तक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की लड़ाई ही लोग लड़ रहे हैं। तो उसके अंदर वो उसने साहिर लुधियानवी ने कहा था कि नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें जीस्त के द्वार परखने होंगे, अपनी जिल्लत की कसम, आपकी इज्जत की कसम, हमको ताजीम के मियार परखने होंगे, क्या हमने ताजीम उसको देनी है जो 5 करोड़ की गाड़ी में आता है, या ताजीम उसको देनी है कि जो
अच्छा कंटेंट डेवलप करते हैं। बिल्कुल, कि वो शख्स जो काबिल है, जो तालीम याफ्ता है, बाशऊर है, तो हमने इन स्टैंडर्ड्स को परखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब, आपसे बहुत यूज़फुल कॉन्वर्सेशन रही। और सोसाइटी में जो क्या कहना चाहिए, जो हमारे माशरे के तल्ख पहलू हैं, आप उन्हें संवारने की कोशिश कर रहे हैं। मोर पावर टू यू, और हम चाहेंगे कि मज़ीद आपको सपोर्ट हासिल रहे सोसाइटी की, हमारी जितनी सपोर्ट हम आपको रिक्वायर्ड हो हमारी तरफ से हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, दोबारा किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।